कांग्रेस को लगातार झटके दे रही ममता बनर्जी ने मेघालय में बड़ा खेला कर दिया। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए और टीएमसी रातों रात मेघालय की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। कांग्रेस को तहस नहस करने के इरादे से ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं और लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। कांग्रेस से अलग हुए समूह ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों की सूची राज्य विधानसभा अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह को सौंपी है और उन्हें अपने फैसले से अवगत कराया। ममता बनर्जी का ये बड़ा कदम है जो अपने मूल राज्य से बाहर अपनी पार्टी के पद चिन्ह का विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं। ये कदम बिहार से 3 बार के कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद, जदयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा और हरियाणा के अशोक तंवर के उनकी पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद आया है। टीएमसी त्रिपुरा में कड़े मुकाबले में नगर निगम का चुनाव लड़कर राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी गोवा में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, जिसका मकसद बनर्जी को भाजपा विरोधी सबसे प्रमुख विपक्षी आवाज के रूप में मजबूती से खड़ा करना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता संगमा कथित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाखुश थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि संगमा बिना उनकी सलाह के विंसेंट एच पाला की नियुक्ति से नाराज थे और दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं था। दल बदल विरोधी कानून एक विधायिका समूह के 2/3 सदस्यों को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय की अनुमति देता है। ऐसे में कांग्रेस के 12 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा नहीं रहेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।